दो बातें अकल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। इज्जत करो उन लोगों की जो अपनी मसरूफियत में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उनसे जो आपकी खातिर सारी मसरूफियत भी तर्क कर देते हैं। इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है? औरत की किस्मत का इन्हिसार इसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं है, बल्कि इसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो वफादारी, अपने मीठे बोल और अपनाइयत के एहसास से ही शौहर के सब गम दूर कर देती है। कुछ लोगों से हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी इनसे अपने पन की खुशबू आती है। मर्द नाम होता है एतबार का, वो शख्स मर्द नहीं होता जिसको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना हो, वरना एक हकीकी मर्द अपनी ख्वाहिशात की आग में जल जाता है, लेकिन मोहब्बत करने वाली औरत से कभी बेवफाई नहीं करता। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको जहनी अजियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपको परेशान नहीं करता, वो आपको समझता है और आपको मोहब्बत देता है। किसी को उदास पाओ तो नसीहत करने की बजाय उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी अर्ज के। अतात का मज़ा ही तब है जब दिल जख्मी हो, आंखें अश्क बार हों, दिल रूह और सर महबूब के दरबार में सजदे में एक आवाज़ कहते जाएं, ऐ मालिक गफूर रहीम, तेरे सिवा कोई नहीं, बस तेरी ही बंदगी मेरी रूह की आसूदगी है। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी।